अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रॉन मेथड से हमने इक्वेशन को बैलेंस करना है, कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है आपके पास, या तो इक्वेशन एसिडिक मीडियम में होगी या बेसिक मीडियम में होगी। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इस चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह आप इक्वेशन को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो आज एक आधी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ये हमारे पास चंद एक स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनमें सबसे पहला होता है कि आपने जो भी इक्वेशन हो उसका स्केलेटन लिख लेना। ये हमारे पास इक्वेशन है, और याद रखिए हमारे पास किस में, बेसिक मीडियम है, मैंने साथ में लिख दिया है। जो भी एग्जामिनर देगा ना इक्वेशन को, वो बता देगा आपको ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है, सही है ना। अगर कोई भी एग्जामिनर आपको इक्वेशन देता है तो आपने खुद उसको देख लेना है, या तो बताएगा यहाँ पे एसिडिक या बेसिक मीडियम होगा, या फिर वो इक्वेशन के अंदर ही एच पॉजिटिव वो एच नेगेटिव इस्तेमाल कर देगा। अगर एच पॉजिटिव इक्वेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो मीडियम कौन सा है, एसिडिक। अगर ओ एच नेगेटिव इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो मीडियम बेसिक मीडियम है। मीडियम क्या है, बेसिक मीडियम है। सो आपने सबसे पहले हमारे पास स्टेप ये होता है कि स्केलेटन इक्वेशन का लिखना होता है, हमने स्केलेटन इक्वेशन का लिख लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, इक्वेशन को दो हाफ के अंदर डिवाइड कर देना होता है, एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगा, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे गौर करोगे ना तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, मैंने इक्वेशन को बैलेंस डिवाइड किया है। देखो MN वाला MN के साथ लिखना है, यानी इस चीज को मैंने इस चीज के साथ लिखा, दरम्यान में एरो लगा दी, इस चीज को इस चीज के साथ लिखा, दरम्यान में एरो लगा दिया, सही है। इसको मैंने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का नाम दिया बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर लूज, या माइनस वन चार्ज यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे टू माइनस चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सही। यहाँ पे माइनस टू है, यहाँ पे जीरो चार्ज हो, ये हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल है, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। चलो अब इसके बाद हमारे पास, अगर इसको मेंशन ना भी करोगे ना इस चीज को, सही है, अगर इस चीज को आप मेंशन ना भी करते इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी इक्वेशन बैलेंस करने में। चलो मैं इसको अगर रेज भी कर दूं ना तो फिर भी आपके पास इक्वेशन को बैलेंस करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आ रही है ना इस चीज की। तो अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट काम आता है वो ये होता है कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना होता है। अब देखो बेसिक मीडियम है, ऑक्सीजन एटम को आप बैलेंस करोगे OH नेगेटिव आयन लगाएंगे, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम होंगे, इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं उसको आप बैलेंस करोगे बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल, बाय यूजिंग वाटर मॉलिक्यूल। जरा गौर कीजिए हमारे पास, अब इसके अंदर देखो ऑक्सीजन एटम है, सो मैं इसको बैलेंस करने के लिए, अभी सिर्फ इसको देखिएगा, थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगी मैंने क्यों ऐसा किया। मैं इसके यहाँ पे MnO4 साथ में 4 OH नेगेटिव इस साइड पे, अब देखो इस साइड पे ऑक्सीजन थे हमारे पास कितने, 4। इस साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन, सॉरी MnO2 है, तो इस साइड पे ऑक्सीजन थे पहले 2, मैंने यहाँ पे 4 लगाए। आपने सिंपल सी बात एक जहन में रखनी है, इसको बिठा लीजिएगा जहन के अंदर, वही बात यह है कि आपने हमेशा हमेशा जितने ऑक्सीजन की कमी होगी ना इस साइड में, इन दोनों में देखो 2 ऑक्सीजन की कमी है, 2 ऑक्सीजन का फर्क आ रहा है, इस साइड पे 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, इस साइड पे 2 ऑक्सीजन कम है, आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उतने OH नेगेटिव आयन लगाने होंगे। कितने, उतने OH नेगेटिव के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, सही है। देखो इस साइड पे 2 ऑक्सीजन का फर्क आ रहा था, क्यों किया है इसकी रीजन अभी पता चल जाती है। आप देखो इस साइड कहें जी लो जी आपने यहाँ पे क्या किया, 4 ऑक्सीजन है, इस साइड पे 6 ऑक्सीजन कर दिए, आप कहते 2 से मल्टीप्लाई, हालांकि 2 से लगाएं तो बिल्कुल बराबर होते हैं। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, इस साइड पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, वाटर मॉलिक्यूल लगाऊंगा। अब देखो कितने हमारे पास हाइड्रोजन है, 4, सो हमें यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल लगाने पड़ेंगे। अब चेक करो अब आपको ऑक्सीजन बराबर मिलेंगे, अब ऑक्सीजन आपको बराबर मिलेंगे। मेरा समझाने का मकसद ये था कि आपके पास जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो जितने ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा है, मसलन 2 का है, तो आपको 4 OH नेगेटिव लगाने, कितने OH नेगेटिव लगाओगे, 4 OH नेगेटिव आयन लगाओगे। अगर 1 का आता है तो 2 OH नेगेटिव, अगर 3 का आता है तो 6 OH नेगेटिव आयन। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि ये हमारे पास बैलेंस करते हुए थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं। इसके अंदर देखो ऑक्सीजन एटम है, इस साइड पे ऑक्सीजन, इस साइड पे 4 है, इस साइड पे भी 4 है, सो यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या जाएगा C2O4 2 माइनस, और यहाँ पे 2 CO2 आ जाएगा। इक्वेशन बैलेंस करने की यानी ऑक्सीजन वगैरह बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इस साइड पर भी उतने, इस साइड पर भी ऑक्सीजन एटम उतने ही हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, ये स्टेप कर लिए ना, इक्वेट द नंबर ऑफ चार्जेस इन बोथ हाफ रिएक्शन बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करके चार्ज को बराबर करना है। चलो मैं यहाँ पे चार्ज बराबर करने लगा हूँ इस इक्वेशन में MnO4
माइनस वन प्लस टू एच टू ओ इज चेंज इन टू एम एन ओ फोर सॉरी एम एन ओ टू प्लस फोर ओ एच नेगेटिव। देखो एक नेगेटिव चार्ज ये है, ओवरऑल इस साइड पे माइनस फोर चार्ज है, कितने हैं माइनस फोर, इस साइड पे सिर्फ और सिर्फ माइनस वन चार्ज है। अगर मैं यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन लगाता हूँ तो क्या माइनस फोर चार्ज हो जाएगा इस साइड पे? देखो एक माइनस वन ये चार्ज, तीन इलेक्ट्रॉन वाला माइनस वन माइनस वन माइनस वन, माइनस फोर चार्ज हो गया। इस साइड पे हमारे पास क्या है माइनस फोर चार्ज है, इस साइड पे भी हमारे पास माइनस फोर चार्ज है। सो इस इक्वेशन के मैंने चार्ज बराबर कर दिया यूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हुए चार्ज बराबर किया। अब इसके बाद नीचे वाला पे आ जाओ सी टू ओ फोर टू माइनस टू सी ओ टू। चलो अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, इस साइड में माइनस टू चार्ज है, अगर मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन लगाऊं क्या चार्ज बराबर हो जाएगा? बिल्कुल बराबर है। देखो इस साइड पे माइनस टू चार्ज, इस साइड पे हमारे पास माइनस टू चार्ज आ गया, सही है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मल्टीप्लाइंग विद द सूटेबल डिजिट। अब दोनों हाफ के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन को इक्वेट करना है, सही है। नाउ इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ हाफ, चलो यहाँ पे मैं इन बोथ हाफ, दोनों हाफ्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को बराबर कर दो, किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तीन, यहाँ पे भी हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इतने, क्योंकि हमने इसको कैंसिल करना होता है, लास्ट में आपके इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन नजर ना आए, सही है। इसलिए हम इसको किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बराबर हो जाएंगे। चलो मैं अगर इसको, अब देखो मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूँगा दो के साथ, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तीन के साथ। देखो तीन, तीन को दो के साथ मल्टीप्लाई करोगे छः, दो को तीन के साथ मल्टीप्लाई करोगे छः, आंसर हमारे पास क्या आएगा छः आंसर आएगा। सो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके दो के साथ मल्टीप्लाई करना, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने लगाऊँ, ये बन जाएगा टू एम एन ओ फोर माइनस वन प्लस फोर एच टू ओ प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन इन टू टू एम एन ओ टू टू एम एन ओ टू प्लस एट ओ एच नेगेटिव आइन, सही है। अब इसके बाद नीचे वाले में तीन के साथ मल्टीप्लाई करना हर एक चीज़ को, यहाँ पे क्या बने तीन सी टू ओ फोर ऑक्सलेट आइन है टू माइनस, इसके बाद फोर तीन दो बार छ सी ओ टू प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन, लास्ट स्टेप होता है जी आपने इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना होता है, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, अगर और कुछ चीज़ यहाँ पे कैंसिल आउट होती है तो उसको कैंसिल आउट करना है, वरना आपने डायरेक्ट नीचे लिख देना है इनका सम करके। इसका सम करने का तरीकाकार ये होता है, ये जो एरो लगा हुआ ना इस एरो के इस साइड में जो भी चीज़ लिखी हुई दोनों में वो इस साइड पर लिख लो, ऊपर वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है एम एन ओ फोर माइनस वन प्लस फोर एच टू ओ प्लस थ्री सी टू ओ फोर टू माइनस, और इसके मिलने से हमारे पास बन रहा है टू एम एन ओ टू प्लस एट ओ एच नेगेटिव और साथ में सिक्स सी ओ टू सिक्स सी ओ टू। ये था जी हमारे पास बैलेंस करने का तरीका का, इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं। स्टेप मैंने बीच में कुछ शॉर्ट किए हैं लेकिन आपने इसको फॉलो करना है, जो पहले वाली एग्जाम्पल मैंने करवाई थी वो फुल करवाई थी। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला स्टेप है, ये वाला स्टेप अगर आपको आता है ना तो आप एग्जाम्पल्स क्या जो भी एग्जाम्पल देंगे ना वो डायरेक्ट कर लोगे, जहन में सोच के कर लोगे। मजे की बात ये है अगर आपकी इसके ऊपर डिमांड होगी, कमांड होगी, सॉरी डिमांड क्या दिया कमांड होगी इस चीज़ के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बच्चे शुरू में कहते हैं जी वो हमें जी इक्वेशन बैलेंस करने का तरीकाकार बताएं, नाइन्थ क्लास के बच्चे होते हैं ना, नई नई इक्वेशन आती है वो कहते हैं हमें बैलेंस करने का तरीका, हम तो सिंपल कहते हैं कि बच्चे आप ऐसा करो कि इक्वेशन देखो, इक्वेशन जितने साइड पे आइटम होते हैं जितने साइड पे आइटम होते हैं आप वहाँ से कैलकुलेट करके इसको बैलेंस कर लो। तो मैंने कहा टेंशन ना लें, आपको पूरा तरीकाकार बताएंगे, आप हायर क्लासेस के अंदर आओ तो सही, सही है। तो ये एमएससी के अंदर आपकी एफएससी के अंदर मौजूद है, तो ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए वैसे भी, सही है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हमने जाकर पढ़ने हैं ये ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, वहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ती है, इक्वेशन को ऐड करना पड़ता है, जैसा ये इक्वेशन ऐड कर रहे हैं ना तो वहाँ पे भी इक्वेशन को ऐड करना पड़ता है, तो ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो,
इसके बाद मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूँ एसिडिक मीडियम के हवाले से। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये एसिडिक मीडियम है, ये वाली इक्वेशन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो इस इक्वेशन को हम बैलेंस करना चाहते हैं। तो इसमें सिर्फ एक स्टेप का ही फर्क आएगा, वो सिर्फ स्टेप का है, इसमें आप ये वाला स्टेप नहीं परफॉर्म करोगे, ये वाला स्टेप परफॉर्म करोगे, बस एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये फर्क है। चलो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ही करूँगा। सबसे पहले आपने स्केलेटन लिख लिया, स्केलेटन लिखने के बाद इसमें से पहचान करनी है, दो हाफ के अंदर आपने इसको डिवाइड कर देना, ये है एफ ई टू प्लस, चेंज हो रहा है एफ ई थ्री प्लस में, क्रोमियम सी आर टू ओ सेवन इज चेंज इन टू सी आर प्लस थ्री में। लो जी बस, इसके अंदर अगर आप बताना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है, तो देख लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू से प्लस थ्री पे जा रही है, जहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो वो ऑक्सीडेशन होती है, ये वाला हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये हमने पहले लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है, हाफ रिएक्शन है, और ये वाला हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। लो जी, ये दो रिएक्शन हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, क्या आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना था, क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा, हमारे पास एसिडिक मीडियम है, तो यहाँ पे इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन, मैं इसको सेम एज इट लिखूंगा, ये क्या लिखूंगा मैं, सेम एज इट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन एटम को इक्वेट किस तरह करना है। ऑक्सीजन एटम को एसिडिक मीडियम में इक्वेट करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल लगाते हैं, सो मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लगाऊंगा सी आर टू ओ सेवन टू माइनस, ये चीज़ चेंज हो रही है सी आर प्लस थ्री में, और साथ में देखो कितने ऑक्सीजन एटम है, सात, सो सात वाटर के मॉलिक्यूल मुझे यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, कितने वाटर के मॉलिक्यूल लगाने पड़ेंगे, सात वाटर के मॉलिक्यूल लगाने पड़ेंगे। अब इसके बाद देखो इस साइड पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन 14 बढ़ गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी इक्वेशन में इस साइड पे मुझे 14 हाइड्रोजन भी लिखने पड़ेंगे, 14 एच पॉजिटिव हाइड्रोजन बैलेंस करने, पहले ऑक्सीजन आइटम बैलेंस करने है, देन हाइड्रोजन आइटम बैलेंस करने है, ये तरतीब याद रखिएगा, बेशक वो एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम, पहले ऑक्सीजन आइटम बैलेंस करो, बाद में हाइड्रोजन आइटम के बैलेंस करने पे आना है, ऑक्सीजन आइटम बैलेंस करके बाद में एच पॉजिटिव आइन को बैलेंस करना है, वहां पे ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करके बाद में आपने वाटर मॉलिक्यूल को बैलेंस करना होता है, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं, सो पहले ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करके मैंने वाटर मॉलिक्यूल लगाए, वाटर मॉलिक्यूल लगा लिए, इसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन देख के मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। चलो मैं इसको दो स्टेप के अंदर करता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन इसके अंदर ना हो। पहले स्टेप के अंदर आपने क्या किया, ऑक्सीजन आइटम बैलेंस किया, दूसरे स्टेप में इसी में आपने हाइड्रोजन बैलेंस को बैलेंस करने के लिए आपने क्या किया, 14 एच पॉजिटिव प्लस सी आर टू ओ सेवन टू माइनस क्रोमियम प्लस थ्री प्लस सेवन एच टू ओ, ये वाली चीज़ बन जाएगी, सही। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, आपने दोनों साइडों पे चार्जेस बराबर करने हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन, इस इक्वेशन में भी चार्जेस बराबर करने हैं और इस इक्वेशन में भी चार्जेस बराबर करने हैं। सो मैं दोनों की इक्वेशन को नीचे लिख के ना फिर बैलेंस करते हैं, एफ ए टू प्लस इज चेंज इन टू एफ ए थ्री प्लस, देखो इस साइड पर चार्ज है प्लस टू, इस साइड पर चार्ज है प्लस थ्री, सो मुझे यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन लगाता हूँ तो चार्ज दोनों साइडों पे प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि प्लस ही माइनस वन प्लस टू हो जाएगा, सही। मैंने इलेक्ट्रॉन लगा के चार्ज को बराबर कर दिया एक इक्वेशन के अंदर। अब बात आ जाओ इस पे, 14 एच पॉजिटिव प्लस सी आर टू ओ सेवन टू माइनस इज चेंज इन टू सी आर प्लस थ्री प्लस सेवन एच टू, इस साइड पे चार्ज निकालोगे तो आपके पास टोटल चार्ज आएगा प्लस थ्री। और एक चीज़ यहाँ पे हम लगाना भूल गए, दो क्रोमियम है ना, यहाँ पहले शुरू से टू सी आर लगा लो, क्योंकि इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, क्योंकि दो क्रोमियम है दो सी आर है, जब दो सी आर होंगे तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा हमारे पास प्लस सिक्स, एक क्रोमियम के ऊपर प्लस थ्री, दूसरे क्रोमियम के ऊपर भी प्लस थ्री, तो हमारे पास चार्ज प्लस सिक्स आ जाएगा। दो क्रोमियम क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो क्रोमियम है, इसलिए मैं दो क्रोमियम लिख रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि यहाँ पर चार्ज चेक करो प्लस 14, यहाँ पे चार्ज कर चेक करो माइनस टू इज इक्वल टू प्लस 12, और देखो यहाँ पे प्लस 12 है, यहाँ पे प्लस 6 है, अगर मैं इस साइड पर माइनस 6 करूँ तो क्या ये प्लस
सिक्स हो जाएगा। माइनस सिक्स का मतलब क्या, मैंने इसके अंदर छः इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, मतलब इस साइड पे मैं छः इलेक्ट्रॉन की एडिशन करूँगा, क्या करूँगा, छः इलेक्ट्रॉन की एडिशन करूँगा, छः इलेक्ट्रॉन को ऐड करूँगा, बस ये बात आपने याद रखनी है। हो गए छः इलेक्ट्रॉन ऐड। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना है वो ये है कि चार्जेस बराबर हो गए, इन दोनों को किसी ऐसे सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है कि इस साइड पे भी इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। सो आप ऊपर वाली इक्वेशन को छः के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय सिक्स, क्योंकि छः इलेक्ट्रॉन बराबर करना है, इसमें छः इलेक्ट्रॉन वैसे हैं, इसको छः के साथ मल्टीप्लाई करोगे छः इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़ हमारे पास 14H पॉजिटिव, नीचे वाली इक्वेशन वैसी है कि वैसी ही रहेगी, Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज चेंज इनटू 2Cr प्लस 3 प्लस 7 H2O, इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करो 6Fe2 प्लस इज चेंज इनटू Fe3 प्लस 6 वाला, और 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट, दोनों को ऐड करो, ऐड करके आप नीचे लिख दो, ऐड करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6Fe2 प्लस प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 माइनस इज चेंज इनटू 2Cr प्लस 2 प्लस 7H2O प्लस 6Fe प्लस 3। दो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो गई है, ज़रा गौर कर लीजिएगा, 6Fe2 प्लस 14H पॉजिटिव Cr2O7 माइनस 2, ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस है। अब इस इक्वेशन में आप देख लो जो मर्जी चीज़ चेक कर लो, चार चेक कर लो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चेक कर लो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चेक कर लो, दूसरे एटम चेक कर लो, सारे बराबर होंगे। चलो एक दफ़ा देख लेते हैं क्या ये बराबर है या नहीं है। छः आयरन इस साइड पर, छः आयरन इस साइड पर, और कहीं कहीं पर भी आयरन नहीं है। 14 हाइड्रोजन इस साइड पर, 14 हाइड्रोजन इस साइड पर, और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। 7 ऑक्सीजन इस साइड पे, 7 ऑक्सीजन ये पड़े हुए इस साइड पे, 2 क्रोमियम इस साइड पे, 2 क्रोमियम इस साइड पे, और इसके अलावा बाकी चार चेक कर लो, चार्ज क्या करेगा यहाँ पे, प्लस ये 12 बन जाएगा, क्योंकि प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 12 प्लस 14, इसके बाद माइनस 2, ये तकरीबन 24 प्लस का 24 चार्ज है। यहाँ पर चेक कर लो, दो दो बार 4 प्लस का 4, इसके बाद 6 तीन बार 18 और 12 24 18 19 20 21 22, 22 चार्ज आ रहा है इस साइड पे, चार्ज में क्यों फर्क आ रहा है। 6 दो बार 12 प्लस 14 प्लस 14 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 24, सही हो गया। दो दो बार 4, 6 तीन बार 18, तो ये हमारे पास 22। ये चार्ज में थोड़ा सा, एक मिनट मैं भी देखता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक ना गलती हो गई है, वो क्या हो गया, देखो यहाँ पे हमारे पास ये वाली है, हमने यहाँ पे ये 4 3 आएगा, मैं भी कहूँ किस तरह हमारे पास पॉसिबल है तो दोनों साइडों पे बराबर नहीं हो रहा। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करो 3 दो बार 6 जमा 18 24 हो जाएगा। सो हमारे पास हर एक चीज़ बराबर है। अगर देखो आप इक्वेशन में किसी भी जगह पॉइंट पर गलती की ना, पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंसिंग गलत हो जाएगी। चार्ज, एक चार्ज की भी गलती की, माइनस 1 की जगह प्लस 2 लगा दिया, या एटम की गलती कर देना, पूरी इक्वेशन ख़त्म एंड। अब जितना मर्जी बैलेंस कर ले वो नहीं बैलेंस होगी, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया कि देखो जहन के अंदर डाउट तो आ गया ना कि यहाँ प्लस 3 था, सिर्फ लिखते वक्त हमारे पास गलती होगी, जिसकी वजह से डाउट हमारे पास क्रिएट हुआ, और हमें दिल के अंदर वही रहता है कि जी मैं गलत कर रहा हूँ वहाँ पे, हालांकि बाकी सारी चीज़ें मैं बैलेंस आ रही हैं। सो आपने कोशिश करनी है, स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, ये रूल याद रखिएगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारे पास आज के लेक्चर में, स्क्रीनशॉट आज में ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।